हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ लोग मेरे को भक्त भी कह सकते हैं, और आप सब जानते हैं कि भक्त किसको कहा जाता है हमारे देश में। दोस्तों, हमारे एक गुजरात के नेता हैं, और उन्होंने एक अभी नई नई रिसर्च की है कि ताइवान की मशरूम खाने से इंसान गोरा हो जाता है। उन्होंने मोदी जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई करोड़ की जो है मशरूम खा चुके हैं वो, और इसलिए वो गोरा हो गए हैं। गोरा होने के लिए उन्होंने मशरूम का उपयोग किया है, और जो उन्होंने आरोप लगाया है वो मिस्टर अल्पेश हैं, गुजरात के एक उभरते हुए नेता। अल्पेश जी मेरे ख्याल से मोदी जी से बहुत ज़्यादा रईस आदमी इस देश में हैं, और वो मेरे ख्याल से मोदी जी से ज़्यादा काले हैं। आपने ये रिसर्च उनको क्यों नहीं बताई? क्योंकि गोरा तो वो भी होना चाहते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान काले से गोरा नहीं होना चाहता, नहीं तो ये जो कॉस्मेटिक्स कंपनियां हैं ये हिंदुस्तान में सक्सेस नहीं होती, क्योंकि इनको ये बोलते हैं कि भाई इनको लगाने से गोरा हो जाते हैं। तो आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ, इस दुनिया की प्रमुख हस्तियां हैं, हमारे देश की भी हस्तियां हैं जो ब्लैक हैं और कलर में हैं, और मेरे ख्याल से मोदी से ज़्यादा वो ब्लैक थे और हैं। उनमें एक हमारे साउथ के महान अभिनेता श्री रजनीकांत जी, मेरे ख्याल से उनके पास में प्रॉपर्टी मोदी से कई गुना ज़्यादा होंगी, और वो नेचुरल है कि वो स्टार रहे हैं इस देश में, और वो गोरा भी होना चाहते होंगे। क्या आपने सलाह उनको दी? चलिए, एक और नेत अभिनेता हैं साउथ के ही, जिनको लेकर के अभी मोदी जी के संदर्भ में बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, और वो एक पिक्चर में थोड़ा सा गाने में आते हैं। वो अक्षय कुमार की एक पिक्चर है ना, जिसमें वो एक गाना गाती हैं, ता 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 तीना तीना तीन ता ना ता, है ना, जिसमें वो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, और उस गाने में ही वो शख्स आते हैं। साथ में प्रभु देवा भी होते हैं, वो भी मेरे ख्याल से इतने गोरे नहीं हैं प्रभु देवा भी, और मेरे ख्याल से प्रभु देवा के पास में, और वो जो एक्टर है अक्षय कुमार के प्रभु देवा के बीच में जो डांस करते हैं, वो भी मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में या पैसे में मोदी से कहीं ज़्यादा होंगे। तो नहीं चलो कि वो भी गोरे हो सकते तो उनका स्टारडम थोड़ा और निखर के आता। ठीक है, चलिए, ये तो हो गए अपने देश के। अब विदेश के ले लेते हैं। बराक ओबामा, वो एक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, जो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, और मेरे ख्याल से उनके पास भी मोदी से ज़्यादा पैसा होगा। आपने उन्हें भी एडवाइस नहीं दी, जबकि उनके पास में कोई डॉक्टरों की कमी भी नहीं थी और वो राष्ट्रपति भी रहे। तो क्या अल्पेश जी उनको थोड़ा सा ज्ञान देंगे? एक चाइना के एक हीरो हैं जैकी चैन, उनकी एक पिक्चर थी रस आवर, उसमें उनके साथ में एक हीरो होता है, वो भी ब्लैक है। मेरे ख्याल से उस शख्स के पास भी काफ़ी पैसा हुआ, चूँकि उसने कई पिक्चरों में काम किया है, काफ़ी पिक्चरें उसने दी हैं, हिट पिक्चरें दी हैं, और मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी पैसे वाला है, शायद वो भी गोरा होना चाहता होगा। दूसरे जो हमारे इस पृथ्वी पर विभिन्न देश हैं, जो अंग्रेज़ों का देश है, अमेरिका है, वहाँ पे बहुत लोग काले हैं, और आपको रंग भेद टिप्पणियाँ अक्सर उन देशों में भी होती रहती है उनके ऊपर, तो शायद वो भी गोरा होना चाहते होंगे। भाई आपके लिए है,
हमारे एक यहाँ नए नए साइंटिस्ट उत्पन्न हुए हैं, वो बताते हैं कि मशरूम, ताइवान की मशरूम खाने से लोग जो हैं गोरे हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों आप वो ताइवान की मशरूम खा करके गोरे हो सकते हो, ये सलाह मेरी ब्राको मावा जी और उन सब हीरो के लिए है, रजनीकांत जी के लिए है। रजनीकांत सर आप भी मशरूम खाइएगा, हो सकता है आप भी गोरे हो जाएं, ठीक है। मोदी जी की तरह, चूंकि जो मिस्टर अल्पेश हैं वो कह रहे हैं कि मशरूम, ताइवान की मशरूम खा करके प्रधानमंत्री मोदी गोरे हो गए हैं। मतलब ये लोग इतने मंदबुद्धि हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई मशरूम खाने से आदमी गोरा हो जाता है। तो जो अंग्रेजों के साथ में जो ब्लैक लोग रहते हैं वो शायद मोदी से ज़्यादा रईस होंगे, ज़्यादा पैसे वाले होंगे, और वो अंग्रेजों के बराबर आने के लिए शायद उस मशरूम का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप सोचिएगा कि आप कैसे नेता आप चुनने जा रहे हैं, ठीक है, जिनको एक धेले की भी अकल नहीं है और वो आपके ऊपर बैठ करके शासन करेंगे आने वाले समय में। और ये सलाह सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इस अल्पेश को जो है हार्दिक पटेल को देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो मोदी से जो है उनका रंग थोड़ा डार्क है, हार्दिक पटेल का, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं है, इनको भाई चलो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, चलो बना देते हैं भाई। मोदी जी ने इतने करोड़ की मशरूम खा ली है। दोस्तों सोचिएगा कि इनका मानसिक स्तर किस टाइप का है और ये क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।